नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज के दंगल की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार नहीं किया है, यानी कि अपनी संभावना बरकरार रखी है। थरूर ने बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव कराना अच्छा कदम है। शशि थरूर ने यह भी कहा है कि अगर अध्यक्ष पद के चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार हो तो ये अच्छा आइडिया होगा। थरूर का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में पार्टी भी लोकतांत्रिक ही होनी चाहिए। शशि थरूर का ये बयान उनके एक लेख के बाद आया। उस लेख में शशि थरूर ने कांग्रेस के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टी जरूरी है, थरूर ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, इस संभावना से उनकी ओर से इनकार नहीं किया गया है। लेकिन इन सबके बीच 22 साल के बाद कांग्रेस के अंदर होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शशि थरूर ने यह भी कहा कि इस चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दर्जन भर पदों पर भी चुनाव होने चाहिए, लेकिन अध्यक्ष पद पर भी निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो ये कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। शशि थरूर के इस बयान का बड़ा राजनीतिक महत्व है, क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस की पार्टी के ग्रुप 23 के नेता माने जाते हैं, जिन्होंने कांग्रेस में अंदरूनी सुधार के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। खासकर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हालात बने थे, उसमें शशि थरूर का अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव को लेकर जिस तरह की टिप्पणी सामने आई है वो काफी ज्यादा अहम है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या 17 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कांग्रेस के ग्रुप 23 की ओर से कोई उम्मीदवार उतारा जा सकता है? क्या कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ कोई नेता अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकता है? क्या 22 वर्षों के बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष मिल सकता है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का नामित नेता? चुनाव से पहले कांग्रेसी क्लियर थे, राहुल ही अध्यक्ष बनेंगे। सारे कांग्रेस वर्कर्स की ये भावना है कि राहुल गांधी जी इस वक्त लीड ले और वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। जल्दी राहुल जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। हमें आग्रह है कि जो सब कांग्रेस जनों के मन में है उस आग्रह को स्वीकार करेंगे। क्रोर्स ऑफ कांग्रेस वर्कर्स हैव ओनली वन डिजायर दैट राहुल गांधी शुड टेक एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेसियों के लिए कल तक ये सवाल ही नहीं था कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन शशि थरूर के एक आर्टिकल ने कांग्रेस में लोकतांत्रिक चुनाव को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि शशि थरूर ने अपने लेख में जो लिखा है उसकी बड़ी बातें ये हैं। कांग्रेस पार्टी के पुनरुद्धार की सख्त जरूरत है। इसके लिए कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद का निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। बेहतर होता कि CWC के दर्जन भर पदों पर भी चुनाव होता, अध्यक्ष के चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार उतरे और अपना विजन पेश करें। अध्यक्ष पद पर निष्पक्ष चुनाव से देश की दिलचस्पी कांग्रेस में बढ़ेगी। थरूर के इस बयान से संभावना खड़ी हो गई है कि क्या शशि थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन थरूर ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। I have no comment to make. I accept what I've written in my article, which is that elections will be a good thing for the Congress party. That's all. थरूर ने लेख के जरिए जो भावना बताने की कोशिश की है उसे गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे नामे में भी लिखा था। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे नामे के चौथे पन्ने में लिखा था कि कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ ढोंग और दिखावा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चापलूस मंडली की सलाह पर चल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा करते वक्त गुलाम नबी आजाद के इन आरोपों का ख्याल किया गया और सफाई भी दी गई थी। हमारे देश में कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां ऐसे चुनाव होते हैं, और कोई भी पार्टी नहीं है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जहां कांग्रेस के हर स्तर पर और खास तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुए हैं, होंगे और होते रहेंगे। हालांकि शशि थरूर के रुख से कांग्रेस पार्टी के इस दावे पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 22 सितंबर को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी।
24 से 30 सितंबर तक नामांकन होगा। अगर अध्यक्ष पद के दौड़ में सिर्फ एक ही नाम रह जाता है तो 8 अक्टूबर को ऐलान हो जाएगा, वरना 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। Anybody can contest the election. This is an open election. Now election is already announced. Those who want to contest as the Congress president should file a nomination before September 30th. लेकिन क्या कांग्रेस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव है? क्योंकि खबर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ही आनंद शर्मा ने कांग्रेस के इलेक्टोरल रोल को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। जिन्होंने ये सवाल उठाए वो उसी प्रोसेस में से गुजरे हैं और उसी प्रोसेस और उसी प्रोसीजर के अंदर से ये सब कुछ हुआ है और वो उनकी उसके खुद की पार्टी हमें दे वेर पार्टी टू इट, इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में 9000 से अधिक डेलीगेट्स हैं जो अध्यक्ष पद के चुनाव में वोट डालेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर इलेक्टोरल रोल को लेकर सवाल उठाने का सीधा मतलब ये भी हो सकता है कि शशि थरूर समेत ग्रुप 23 के जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में आमूलचूल बदलाव की मांग की थी वो भी इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। पार्टी पार्टी नहीं बल्कि एक पारिवारिक एंटरप्राइज है। जिस प्रकार से ताजपोशी जो सल्तनतों में होती है, जिस प्रकार से चयन की प्रक्रिया जो की जाती है उसको हुस्न अफरोजी के लिए आंतरिक चुनावों का चेहरा देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका पूरा का पूरा पर्दाफाश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ही किया। अगर कांग्रेस में निष्पक्ष चुनाव होता है तो 22 वर्षों में पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए ऐसा चुनाव होगा, क्योंकि आखिरी बार 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने नामांकन किया था, तब 7542 वैध मतों में से सिर्फ 94 वोट उन्हें मिल पाए थे, 7748 वोट सोनिया गांधी को मिले थे। इससे पहले 1997 में चुनाव हुआ था, तब सीताराम केसरी, शरद पवार, राजेश पायलट उम्मीदवार थे और पवार को 7646 वैध मतों में से 1236 वोट मिले थे और तभी आरोप लगे थे कि सीताराम केसरी ने कांग्रेस का इलेक्टोरल रोल ही मैनेज कर लिया था, क्योंकि स्टेट यूनिट्स में उनके चुने हुए लोग पदों पर काबिज थे। हालांकि इस बार चर्चा थी कि राहुल गांधी के इनकार करने की सूरत में सोनिया गांधी अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाना चाहती हैं, लेकिन ग्रुप 23 के नेता ऐसा नहीं चाहते और अब शशि थरूर के रुख के बाद लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। सुप्रिया भारद्वाज के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। 1885 से लेकर 1939 तक कांग्रेस पार्टी के भीतर हर साल पर लगातार चुनाव होता रहा अध्यक्ष पद पर। 59 अध्यक्ष भी हुए, लेकिन उसके बाद की जो परिपाटी टूटी उसके बाद एक के बाद एक कई सवाल खड़े होने लगे और बीते 20-22 वर्षों में अगर हम देख लें तो पहली बार अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस के भीतर 22 सालों के बाद ये नौबत आएगी कि एक उम्मीदवार के अलावा भी कई ऐसे चेहरे आपको दिखाई देंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, अजय आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और सलमान निजामी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज ही कांग्रेस के लिए बुरी खबर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई है, जहां पर 60 से ज्यादा नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस से दे दिया है इस्तीफा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कब आएंगे आप लोगों के अच्छे दिन और क्या यह माना जा सकता है कि 22 सालों के बाद ही सही लेकिन कम से कम अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस के भीतर देखने को मिलेगी, जैसा कि शशि थरूर के बयानों से नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, आपने कहा नीचे दिखा रहे हैं कि कौन बनेगा कांग्रेस का अग्निवीर, ये आपकी अपनी सोच बता रही है। सोच में क्या खराबी है? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि सोच के खराबी अच्छा है, तो मैंने जिक्र किया नहीं। अब आपने सोच पे खराबी देखी तो आपके दिल में कुछ होगा, नहीं लगा होगा। अग्निवीर पे आपको इतनी आपत्ति क्यों है? अरे भाई, अग्निवीर का क्या मतलब होता है अखिलेश जी? अब आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप एकदम खाटी हिंदी पट्टी बोलने तो दिया करें ना। बोलिए बोलिए ना, बोलने दिया करें। अग्निवीर पर अब दिक्कत है, बोलने दिया करें। हमने दिक्कत तो आप बहुत दिनों के बाद भर्ती निकली है तो यानी कि अग्निवीर जैसा इंतजार हो रहा था ना अखिलेश जी। अब बोलिए बोलिए, पूरा बोल लेने दिया करिए। ये अच्छी बात नहीं होती है कि आप एक शब्द के बाद डिस्टर्ब करना शुरू कर दें। कांग्रेस पार्टी में जो है ना, युद्धवीर होते हैं, महावीर होते हैं, माफीवीर नहीं होते हैं, भाषणवीर नहीं होते हैं, जुमलावीर नहीं होते हैं। और एक बात और मैं आपको करेक्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी में हर 4-5 साल पे चुनाव होते हैं। ये अलग है कि 20-22 साल बाद वोटिंग
जो हुई थी 22 साल पहले 20 साल पहले हुई थी वोटिंग प्रक्रिया, चुनाव तो होते ही हैं, निर्विरोध हुए इसलिए वोटिंग नहीं हुई। तो ये कहना कि चुनाव ही नहीं होते, यहाँ चुनाव होते हैं। लेकिन जो हमारे सत्तारूढ़ दल है उनके यहाँ तो नागपुर से पर्ची आती है, कभी चुनाव हुआ हमारे तो आपने गिनाया कब कब चुनाव हुए, कभी उनका गिना दिया चुनाव हुए हो तो वहां तो पर्ची आती है। और देखिए ये उनका इतना देखते हैं, उनका तो इतना विस्तार हो रहा है ना, वो जो भी नीति अपना रहे हैं उनका तो विस्तार हो रहा है। आपके भीतर देखिए सिर्फ डबल का दौर कितना जारी है, एक के बाद एक कांग्रेस के खुद के नेता आपको अपनों ने ही लूटा है, गैरों में वो दम नहीं था। विस्तार हो रहा है इससे हम सहमत हैं, लेकिन देश का क्या हो रहा है, देश में रहने वालों का क्या हो रहा है, कभी इस पे भी चिक्र चर्चा और चिंतन कर लीजिए। दूसरी बात, अभी जो गडकरी जी क्या किए थे, गडकरी जी उन्होंने कहा है कि कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस हाँ, नहीं करूंगा। ये आपको याद है? हाँ। ये नहीं याद है कि उन्होंने कहा कि सरकार जो है समय पे निर्णय नहीं लेती, कैबिनेट मिनिस्टर अपनी सरकार पे बता रहा है तो वो एक गवर्नमेंट की, कोई कैबिनेट मिनिस्टर अगर कुछ कहता है तो वो गवर्नमेंट की नहीं, वैकेंसी निकली है आप भरिएगा। मतलब कई ऐसे नेता तो हुए हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है, आप जाएगा इस चुनाव के लिए? वरिष्ठ लोग हैं, चुनाव हमारे तो चुनाव तो हो रहा है। हाँ। किसी गैर कांग्रेसी का नाम बताइए जिससे चुनाव होता हो, एक नाम बताइए किसी पॉलिटिकल पार्टी का। रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शहजाद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक नाम नहीं बताया आपने कि गैर कांग्रेसी दलों का, एक नाम बता दीजिए जिससे चुनाव होता हो। पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे लगता है कि वो भी बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश से आने वाली बड़ी नेता हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, 22 सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरह से भी सही लेकिन चुनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि वास्तव में अब प्रक्रिया को अपनाया जाएगा या आपको भी लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा है कि ये महज दिखावा है, छलावा है? मैं सोचती हूँ कि देखिए मैं भी 5 साल अध्यक्ष रही हूँ और मेरे पूरा परिवार कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक रहा है। चुनाव की प्रक्रिया तो कांग्रेस में बहुत पहले समाप्त हो गई थी, 70 के दशक के बाद चुनाव की प्रक्रिया तो नहीं होती थी। मैं भी चुनी नहीं गई थी, मुझे तो मनोनीत किया गया था। लेकिन ये जो उठा पटक चल रही है पार्टी के अंदर, इससे पार्टी की छवि इतनी खराब हो गई है कांग्रेस की, नेता में उनके विजन में तो पहले लोगों को विश्वास नहीं था, और अब जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है कि नहीं राहुल जी बने, नहीं प्रियंका जी बने, परिवार ही बने, जो बड़ा नेता बचा है वो यही बात कह रहा है। तो चुनाव में समझती हूँ केवल औपचारिकता है, ये तो वर्किंग कमेटी तय कर देगी कि किसको बनना है। तो मैं अब कांग्रेस के अंदर बहुत इस समय जो है बहुत ही संक्रामक काल चल रहा है। देखिए मैंने 2016 में छोड़ा था जी। मैं पहली थी जिसने पार्टी छोड़ी और जो बात मैं कह के उस समय निकली थी वही बात आज गुलाम नबी जी भी कह रहे हैं। तो पार्टी को खुद सोचना चाहिए, कोई बड़ी इमारत गिरी है क्यों गिरी, अब एक बड़ी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी जिसकी बहुत दुहाई सब देते हैं क्यों बिखर रही है, अंदरूनी विस्फोट हो रहा है। रीता बहुगुणा जी नेतृत्व में दिक्कत है क्या, क्योंकि राहुल गांधी पर सीधे सीधे गुलाम नबी आजाद सवाल खड़े करते हैं, वो उन्हें अपरिपक्व बताते हैं और अभी तक का जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उससे ये भी परिस्थिति बन सकती है कि राहुल गांधी अध्यक्ष हो हालांकि चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा धड़ा राहुल गांधी के अलावा किसी और को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखता है कांग्रेस में। देखिए जितने जमीनी और बड़े नेता थे जिन लोगों ने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, जब हम लोग मैं भी जब पार्टी में आई थी पता था कि 20 साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं आना है, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, फिर सम्मान भी नहीं देंगे, चर्चा भी नहीं करेंगे, गैर राजनीतिक लोग आगे बढ़ेंगे, बैजू जी जैसे लोग जो कि कांस्टेबल थे वो तय करते थे कि अध्यक्ष कहाँ जाएगा, क्या होगा, कहाँ प्रोग्राम लगेंगे। देखिए अपने आत्मावलोकन करें, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये कहती भी विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, पर अगर विपक्ष खुद ही बिखर के गिरने को तैयार है तो हमको तो हम तो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम दूसरी पार्टी का मूल्यांकन करें। लेकिन जिस गांधी परिवार पर आप लोग निशाना साधते हैं रीता जी, उनके बारे में जो समर्थक गांधी परिवार के हैं अखिलेश जैसे और भी तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, वो ये कहते हैं कि गांधी परिवार एक माला की तरह है जो हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो कर रखता है और उनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। नेतृत्व तो दे, उसकी दिशा तो स्पष्ट हो, लक्ष्य तो स्पष्ट हो, अपना मन तो बनाए, मतलब अध्यक्ष बनेंगे भी नहीं और पीछे से अध्यक्ष भी चलाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं पीछे से प्रधानमंत्री चलाएंगे, तो आगे बढ़कर चले अगर अगर चाहते हैं और नहीं चाहते हैं छोड़े। हाँ। ये सब ये जो हो रहा है ये हमारे लिए तो ठीक ही है, मैं तो समझती हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। हाँ। पार्टी अच्छा काम कर रही है, सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, बाकी अपना कांग्रेस पार्टी को आपकी बातों पर अखिलेश जी को जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पुराने साथी अखिलेश जी हैं, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। वो कह रही हैं कि लोकतंत्र है कहाँ, और 1970 के बाद इस चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं कि हर साल चुनाव होता है, लोकतंत्र है, ये वो है, सबको खारिज कर रहे हैं। हम किसी का नाम लेके कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब तक जो कांग्रेस में रहता है तब तक वो सब सही बताएगा। और जो चाहे हमारे गुलाम नबी जी थे लीडर राज्यसभा में बने, तो क्या चुनाव सांसदों से चुनाव करा के बने थे क्या? अभी रीता जी जो बातें कह रही हैं, मेरी बात ये ना, मेरा सेंटेंस पूरा था, अभी उनकी जवाब दे रहा हूँ। तो तब बहुत अच्छा था क्योंकि उनको बना दिया गया। अब रीता जी पार्टी छोड़ दी है, जो भी पार्टी छोड़ दे रहा तो क्या हमारी तारीफ तो करेगा नहीं? लेकिन जब तक थे लोग तब तक की उनके स्पीचेज या उनके बयान देखिए, तो ये तो कोई नई बात नहीं है या कोई अपेक्षा से विपरीत भी नहीं है कि जो पार्टी छोड़ देगा वो हमारे कसीदे नहीं पढ़ेगा, हमारे कसीदे नहीं पढ़ेगा। हम उस पे नहीं जा रहे हैं, हम किसी के व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रहे, सब हमारे सम्मानित है, जहां है वहां भी रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जिस दल में रह करके जिस दलों ने पहचान दी है, जिस दलों ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, उस दलों की जब आप निंदा करते हैं तो उस दल की निंदा नहीं करते, आप अपना लेवल बताते हैं और आप अपनी इमेज जनता के बीच में खोते हैं। रीता जी को बता रहे हैं, सबको, जो भी देखिए पार्टी छोड़ देना, पार्टी मेरी बात पूरी हो जाने दे, पार्टी छोड़ के बहुत हो जाते हैं, जाते रहते हैं, मेरी बात हो जाने दे, पार्टी छोड़ के लोग जाते हैं, हमेशा रहा है, हर दल में जाते आते हैं। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह की भाषा का प्रयोग आप करेंगे वो जनता देख रही है, वो जनता समझ रही है। तो वो कि आप भाषा प्रयोग कर रही हैं, वो तो बता रही है ना कि लोग नेतृत्व विहीन है, नहीं नहीं देखिए नेतृत्व विहीन है, कुछ है नहीं है, फलाने हैं, धमाके हैं, जो भी बोला, जो भी कांग्रेस छोड़ के गया, जो भी बोला, जो बोलेगा उसका पब्लिक परसेप्शन पब्लिक बना लेगी। मैं सर हृदय इनको एक सुझाव देना चाहती हूँ अपनी उम्र के लिए और अपने अनुभव के आधार पर। देखिये स्पष्ट इस बात को समझिए, जब मैं अध्यक्ष थी एक बारी 17% वोट आया, दूसरी बार 12% वोट आया, 8.5% वोट है। अरे भाई वोट बढ़ाइए ना, हम तो चाहते हैं आप आगे बढ़िए, हम कब मना करते हैं आपको, लेकिन अगर आप इसी में प्रसन्न है, हम तो कभी ज्यादा बोलते भी नहीं है टीवी पर, अगर आप इसी से प्रसन्न है कि भाई ये गलत है वो गलत है, इनका चरित्र ठीक नहीं, वो अपना राजनीतिक चरित्र देखे, अगर आप खुश है तो उसमें खुश रहिए। लेकिन आपसे मैं कह दूं कांग्रेस न्यस्त नाबूद हो गई है, आप बहुत गहरे पानी में है, आप लोग अपने आप को अगर बचा सकते हैं तो बचाइए, दूसरे पर आक्षेप करने से कुछ नहीं होगा। इतने बड़े बड़े लोग गए, 30-30 साल काम करके गए, 20 साल मैं काम करके गई, कोई तो वजह होगी। और देखिए भागे नहीं है, एक एक साल तक बताते रहे नेतृत्व को ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, पर हम लोग डिसिप्लिन लोग हैं, बाहर नहीं बोलते हैं, जब छोड़ेंगे तो बाहर बोलेंगे। तो क्या ऐसी ही परिस्थिति रीता बहुगुणा जी आपके बेटे के लिए बीजेपी में नहीं बन पाई थी जब मयंक ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था, फिर तो बीजेपी के लिए भी ऐसे ही सवाल उठेंगे ना? वो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो किसी पद पे नहीं थे, वो किसी उसमें नहीं थे, उनके तो छोड़ दीजिए, ठीक है, ये तो चुनाव में होता है। लेकिन मेरे जैसे लोग जो 20-20 साल अपनी जिंदगी के हम लोगों ने खपाए, ठीक है आपको पार्टी ने पद दिया, लेकिन उस पार्टी को उस पद के योग्य मेहनत करके जेल गए, आज तक एक भी अध्यक्ष किसी भी दल का प्रदेश अध्यक्ष जेल नहीं गया, मैं जेल गई, मेरा घर जलाया गया। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ये कहें सिर्फ पार्टी देती गई, हम लोगों ने भी खून पार्टी खून से सींचा था कभी पार्टी को, कोई तो बात रही होगी। देखिए राहुल जी को कहिए थोड़ा बड़ों को सम्मान दें, थोड़ा उनकी बातें सुने, कोई पार्टी बिना अपने सीनियर लीडरशिप के एडवाइस के नहीं चल सकती, पर यहाँ कोई बात ही नहीं, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी के पास ना दिशा है, ठीक है, ना नियत। तो आपको क्या लगता है कि शशि थरूर जैसे तमाम नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए जिस तरह के वो संकेत दे रहे हैं? एक आखिरी जल्दी से छोटा सा जवाब आपसे। नहीं, थरूर जी को तो मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मानती नहीं हूँ, वो तो इंटेलेक्चुअल है, तो जमीनी नहीं है उनका, जो उन्होंने जो आज बोला अखबार में वो भी काफी संकेत दे रहा है, उनके भी बयान काफी कुछ संकेत दे रहे हैं कि असली चुनाव होना चाहिए। तो मैं तो देख रही हूँ, मेरी माँ तो 14 साल अध्यक्ष रही, तब चुनाव होता था, 70 के बाद देखिए चुनाव ना नहीं होता है, वो तय हो जाता है किसको बनना है, वो कागज पे चुनाव हो जाता है, ठीक है, अब देखते हैं कितना सही होता है, देखते हैं, ठीक है।
बहुत शुक्रिया आपका रीता बहुगुणा जोशी जी आज तक से जुड़ने के लिए और तमाम अहम मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए। शहजाद एक जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ, उसके बाद अखिलेश जी आपसे एक एक करके सभी का मैं जवाब लूंगी। आप लोग भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी के घर के भीतर की यह स्थिति है वो तो आपको लेकर देखिए, गडकरी जी किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं लोकतंत्र को लेकर और दुनिया भर की दूसरी चीजों को लेकर, आप लोगों के अंदर ये खुशी क्यों है शहजाद कांग्रेस के भीतर अगर ये सब कुछ चल रहा है तो? देखिए एक तो मैं बता दूं कि कांग्रेस का कौन बनेगा अग्निवीर नहीं, कांग्रेस का कौन बनेगा परिवार का हीर। यहाँ पे होड सिर्फ परिवार के हीर बनने की होती है, इसलिए मैंने तो कहा है INC को इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं आई नीड कोटरी कहना चाहिए, या AICC में ऑल इंडिया चमचा कमेटी कहे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये चमचों की ही कमेटी बन चुकी है। मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। पहले तो इन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ हर 5 वर्ष में 4 वर्ष में चुनाव होते हैं, ये जो जितेंद्र प्रसाद का आखिरी चुनाव जिसकी बात आप कर रहे हैं ये इंडिया टुडे की ही स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं, जो फाइल की गई है सुमित मित्रा के द्वारा, और उसमें जितेंद्र प्रसाद उनको कहते हैं, मैं कोट पढ़कर सुनाऊंगा उनका, वो कहते हैं कि इस चुनाव में इसमें कहते हैं कि आफ्टर गिविंग मी एन इनिंग्स डिफीट माय साइट पॉसिबली मेक्स हर सोनिया फील रीअश्योर्ड द मैच वाज फिक्स्ड बिहाइंड माय बैक। जिस चुनाव को ये लोग उदाहरण के रूप में पेश करते हैं कि ये बहुत अच्छा चुनाव हुआ था, ये आखिरी चुनाव हुआ था, ये भी फिक्स्ड मैच था। मैं आपसे पूछता हूं कि सीताराम केसरी की जब धोती फाड़ कर उनको बाहर निकाला उसके बाद सोनिया जी अध्यक्ष बनी तो कौन सा चुनाव हुआ, और 98 से लेकर 2022 मैं आपको बताता हूँ, राजेश पायलट तो उतरे थे ना उनके खिलाफ, वो प्री सोनिया था, जैसे BC और AD होता है ना, तो BC में जब प्री सोनिया था तब तो चुनाव होते, महात्मा गांधी के जमाने में पार्टी परिवार थी, राहुल के जमाने में परिवार के 2.5 लोग पार्टी बन चुके हैं। उनकी पार्टी को जोड़ के रखा है तो क्या दिक्कत है? ये तो अमेठी को जोड़ ले पहले, यूपी को जोड़ ले पहले, जहां पे चुनाव लड़ते हैं जहां से अस्तित्व उनका उभरता है वो तो जोड़ नहीं पाए। मुझे दो तीन फैक्ट रखने दीजिए उसके बाद आप डिबेट चलाइए आगे। 98 से लेकर 2022 24 वर्ष का कार्यकाल, इनके यहाँ अध्यक्ष माँ, माँ के बाद बेटा, बेटे के बाद माँ, हमारे यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे, जनक कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, एल के अडवाणी, राजनाथ सिंह, गडकरी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, जेपी नड्डा। अब ये कहेंगे आपके यहाँ कौन सा चुनाव होता है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पर यही आज तक विश्वसनीय चैनल है ना, आज तक के नवनीत मिश्रा ने ये 2019 में रिपोर्ट फाइल की है, रिपोर्ट का नाम है कैसे चलता है बीजेपी का संगठन राष्ट्रीय चुनाव के अध्यक्ष, उसमें धारा 19 के तहत कैसे राष्ट्रीय परिषद प्रांतीय परिषद चुनाव का एक जो इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, कैसे चुनाव होते हैं हर स्तर का, वो पूरा डिटेल आपको मैं आज तक का ये आर्टिकल भी दे रहा हूं। परंतु उसके अलावा नड्डा जी के चुनाव की बात करते हैं, ये प्रेस विज्ञप्ति है जो इलेक्शन कमीशन को भी जाती है, 75% बूथ समिति का गठन किया गया, 50% मंडल समितियों का गठन किया गया, 60% जिला कमेटियों का गठन किया गया, 21 प्रांतों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए संविधान तहत, हमारे आर्टिकल 19 तहत विधिवत तरीके से, उसके बाद जेपी नड्डा जी के चुनाव की तिथि का ऐलान किया गया, उसमें जेपी नड्डा जी चुनकर आए हैं। ये हर हमारे यहाँ पर जिस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया होती है, आखिरी बात आपके वहाँ जो चुनाव होता है उसमें एक ही दो चेहरे नजर, एक सेकंड चित्रा जी, एक लास्ट है, ये चुनाव नहीं, यहाँ पर मुगल स्टाइल सल्तनत ताजपोशी होती है, प्री डिसाइडेड। मैं आपको बताता हूँ इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं, फैब्रिकेटेड एंड फेक होता है। मैं तो खुद चुनाव लड़ना चाहता था, मेरे साथ क्या किया मैं आपको बताऊँ क्यों, आनंद शर्मा ने जिक्र किया, मैंने किया था, उन्होंने मुझे दूध में से मक्खी निकालते वैसे फेंक दिया, क्यों, क्योंकि ये डेलीगेट कैसे इलेक्ट होते हैं और फिर ये डेलीगेट कैसे चुनाव लड़ते हैं, इसकी प्रोसेस संविधान में कांग्रेस के इसको फॉलो करती है, इनको बताइए, इनको पहले पता भी है, इनको पहले पता भी है डेलीगेट कैसे इलेक्ट होते हैं, इनको पूछे डेलीगेट इलेक्ट कैसे होते हैं, बता दीजिए, सुनिए इलेक्टोरल रोल जिसमें गड़बड़ी की शिकायत आनंद शर्मा भी कर रहे हैं। चित्रा जी आप हो या शहजाद की बात पर मैं जा रहा हूं, नहीं मैं सब आप दोनों लोगों की सबकी बात का जवाब दे रहा हूं। सूप तो सूप छलनियों बोले जेमे 72 छेद, बता दे कब चुनाव हुआ है बीजेपी में, कब हुआ है चुनाव जिसको बोलते हैं, हर बार वोट पड़ा, अरे सुनो तो एक मिनट प्लीज, बीच में नहीं, कब कौन लड़ा चुनाव, नड्डा जी कब लड़ा, नहीं कौन लड़ा, नड्डा जी के खिलाफ कौन लड़ा, उसके पाले वाले खिलाफ कौन लड़ा, कौन पर्चा दाखिल किया, बीच में नहीं एक बार आप बताइए, जब से बीजेपी RSS बनी है कभी चुनाव हुआ, छलनी बोलेगी हम लोगों को कि जो है चुनाव नहीं होते हैं, अरे कब नहीं चुनाव हमारे यहां हुआ, और सुनिए
जल्दी से सरकार सरकार में बैठे सरकार में बैठे हुए सरकार सरकार इस देश को बर्बाद कर रही है, उसकी चिंता नहीं है। कांग्रेस के चुनाव में बीजेपी परेशान है। चित्रा जी मैं जवाब दूं, चुनाव कांग्रेस की चित्रा जी सरकार चित्रा जी मैं जवाब दूं, पढ़ा मैं जवाब कब वोट पड़ा मैं आपको बताया भाई मैं बता रहा हूँ चित्रा जी कैसे अगर चीख ही डिबेट करनी है तो मैं चीख कर भी डिबेट कर सकता हूँ। बिल्कुल 98 से लेकर 2022 तक 7 चुनाव हुए हैं हमारे यहाँ पर, हर स्तर पे, मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे, प्रदेश स्तर पर। अरे भाई अध्यक्ष, अच्छा चित्रा जी चुनाव कौन, चित्रा जी मैं जवाब दूं, ये बीच में बोलते रहेंगे। मैं चित्रा जी आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर सारे स्तरों पर जब इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट हुए, फिर हाँ मैं पूछ बता रहा हूँ, फिर आई डेट के आपको नामांकन भरना है। नड्डा जी ने नामांकन भरा, उनके सामने अगर किसी ने नामांकन नहीं भरा सर्वसम्मति से हुआ, इसका मतलब ये नहीं चुनावी प्रक्रिया नहीं हुई। पर मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा इन्होंने जितेंद्र प्रसाद वाला, मैंने इंडिया टुडे की रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे उन्होंने कहा कि फिक्स्ड मैच था, और ये आज तक की रिपोर्ट है कि बीजेपी में कैसे चुनाव होते हैं। ये क्या झूठे हैं क्या आज तक, और इंडिया टुडे वाले झूठे हैं क्या, बता दो। आपके पास आते हुए देखिए बीजेपी के भीतर कोई अध्यक्ष पद को लेकर सवाल नहीं उठा रहा है ना, लेकिन आपके भीतर तो नेताओं की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, बहुत बड़े बड़े नेता जो सालों सालों तक रहते हैं। जल्दी से आप अपनी बात कर लीजिए, उसके बाद सलमान निजामी जी की। नहीं बता पाए कि बीजेपी में कब कौन कंटेस्ट किया, बीच में आप भी नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं। अरे आप धमकी नहीं, नहीं, प्लीज बीच में बात सेंटेंस होने दे, सेंटेंस होने दे। बोले बोले वही मैं कह रहा हूँ कि सूप्त सूप छलनियों बोलेगी, जिसके पर मैं आज तक जब से जनसंघ बीजेपी बनी कभी चुनाव ही नहीं हुआ, वो हमारे चुनाव प्रक्रिया को फिक्स बता रहे हैं। अरे जहां बकायदा वोटिंग होती है, बनता है उसके बाद गुजरात से, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। चित्रा जी आप बोलने नहीं, चित्रा जी आपकी इलेक्टोरल है, ये मेरा इलेक्शन कमीशन को जाता है, ये इलेक्शन कमीशन को जाता है। अध्यक्ष का एक चुनाव नहीं बता पाए कब हुआ है, अरे ये चुनाव हुआ है, अरे 20 तारीख को हुआ है, 20 जनवरी को हुआ, कब कोई लड़ा है, कोई चेहरा लगातार उस कुर्सी पर तो नहीं बैठा है, कभी नहीं बैठा है। एक चेहरा पिछले 135 वर्षों में नेहरू परिवार से, मुश्किल से 25 साल चुनाव, जवाहरलाल नेहरू से लगाए, जवाहरलाल नेहरू से लगाए सोनिया गांधी राहुल गांधी तक, मुश्किल से 25 साल रहे ये लोग। सोनिया गांधी बोलिए बोलिए बोलिए, सोनिया गांधी कब से, 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी पीएम बनाई गई थी, बुलाई गई थी उन्होंने, अरे छोड़िए अध्यक्ष छोड़िए, पीएम पद छोड़ा उन्होंने, और 135 साल में नेहरू फैमिली मुश्किल से अध्यक्ष पद पर बोले नहीं देंगे। नहीं आप बोले, आप सिर्फ डिस्टर्ब कर रही है कांग्रेस पर, नहीं सिर्फ डिस्टर्ब कर रही है, नहीं कर रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, खामोशी से सुनिए, पूरा होने दीजिए, बोलिए बोलिए। खामोश 15 वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति भवन बनाए गए थे लेकिन उन्होंने दूसरे को दिया। 135 वर्षों में कांग्रेस में मुश्किल से 30-32 वर्ष नेहरू फैमिली अध्यक्ष रहा है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी राहुल गांधी नहीं, तक। सर, नहीं, नहीं सर, नहीं सर, आपको नहीं सर, कांग्रेस को या देश को तो किसी से सोनिया राहुल की ही बात कर रहे हैं, उसके अलावा आप उठा लीजिए राहुल गांधी तो अभी जवाहरलाल नेहरू से लेकर उसके बाद राजीव गांधी इंदिरा गांधी के 25-30 साल, क्या राहुल गांधी 2 साल रहे ना, और उसके पहले सोनिया गांधी कितने सालों तक रही, आप खुद बताइए कौन रहा आखिरी अध्यक्ष गांधी परिवार के। सोनिया गांधी का चुनाव ही 98 में तो राजनीति नहीं आई, हाँ तो उसके बाद से लगातार कोई और नहीं हुआ ना, 4 साल बाद चुनाव हुआ, आप कह रहे हैं 30 साल 35 साल लंबी करी से नहीं, 135 साल में 30-35 साल कांग्रेस नेहरू बता देती हूं, एक गलत 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 एक लास्ट झूठ बोलना चाहिए। एक सेकंड सर, अभी मैं आपको दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा जल्दी से। कांग्रेस के संविधान में यह भी प्रावधान है कि सीडब्ल्यूसी के आधे मेंबर इलेक्टेड होंगे, ये मुझे इलेक्टेड मेंबर्स के नाम बता दे सीडब्ल्यूसी के, कौन नहीं इलेक्टेड है, कहाँ हुए चुनाव, कौन से मंगल ग्रह पर चुनाव करवा के लाए, क्या कौन से, अच्छा तो नाम बता दीजिए कौन से इलेक्टेड मेंबर से, सारे सुनो तो सीडब्ल्यूसी के इलेक्टेड मेंबर्स के नाम बता दो, डेलीगेट्स का वो इलेक्टेड बताइए जरा, चुप रहिए। जितेंद्र प्रसाद का चुनाव था वो भी फर्जी फिक्स मैच था, और हमारे यहाँ पर 7 बार चुनाव होकर 7 अध्यक्ष बने, आपके यहाँ पर एक परिवार का माँ बेटा अध्यक्ष है पिछले 24 साल से, और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है,
अरे हाँ। आपके यहाँ पे मुगल सल्तनत के जैसे आप, जैसे आता था शाहजहां के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, वैसे आपके यहाँ पर सोनिया, सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे होंगे। अब दूसरी बात ऐसा परिचय ने फैक्ट बात कीजिए, फैक्ट बात कीजिए, फैक्ट बताइए, फैक्ट बताइए, कभी चुना हुआ दो किसी को पता नहीं होता। बार चुनाव हुए, मैं कभी कब चुनाव हुआ दूसरा ना बता रहा हूँ, कब किसके खिलाफ कौन लड़ा बताओ। बूथ लेवल का चुनाव, बूथ लेवल का चुनाव, बूथ लेवल का चुनाव, चुनाव नहीं है। वहाँ भी कब हुआ, वहाँ भी कब हुआ, बता दो। एक सेकंड, अरे हम अखिलेश जी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं। कई बार हमारे राष्ट्रपति के लिए, अब ये तो पता नहीं कहाँ चले गए। चित्रा जी, चित्रा जी मैं यात्रियों को समझाऊं, कई बार राष्ट्रपति के सामने या कोई भी बड़े राष्ट्रपति का चुनाव बिना कोई कॉन्टेस्ट के हो जाता है, उसका मतलब ये होता है चुनाव नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर सारे लेवल पे चुनाव होते हैं, अध्यक्ष जी के पद के लिए भी सभी के लिए खुला होता है, वहाँ पे चुनाव अगर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है वो चुनाव है। आपको समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, इसी बात को लेकर अपनी पीठ कब तक थपथपाते रहेंगे कि कांग्रेस का इतने सालों तक राज रहा, हमारी ये परिपाटी, हमारी ये पीढ़ी। चिंता मत करिए, अरे क्यों नहीं करें, चिंता मत करिए, बिल्कुल हमारी सरकार की चिंता करिए, जो सत्ता में बैठा है विपक्ष की चिंता मत करिए, जो सत्ता में बैठा है उससे सवाल करिए, उससे उसकी चिंता करिए, वो क्या कर रहा है उसकी चिंता करिए, वो सरकार कैसा काम कर रही है उसकी चिंता करिए, सरकार का फेल है उसकी चिंता करिए, सरकार जनता का कौन सा काम नहीं कर रही उसकी चिंता करिए। मीडिया का ये काम है, विपक्ष का चिंता करना मीडिया का काम नहीं है, विपक्ष का काम है सरकार की चिंता करना, मीडिया का काम है जो अकाउंटेबल है गवर्नमेंट में जो बैठे हैं उसकी चिंता करना। आजादी के बाद की स्थिति बता देते हैं, मोदी जी के आने के बाद 1951 से लेकर 54 तक जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनके बाद 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी, फिर 1978 से 84 तक इंदिरा गांधी दोबारा अध्यक्ष बनी, इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 से 91 तक राजीव गांधी फिर अध्यक्ष बने, सोनिया गांधी 1998 में राजनीति में आती है, उसके बाद से लगातार वही अध्यक्ष रहे, 2017 में राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं और आप कहते हैं आपसे सवाल लेकर किया जाए। ठीक है सर, चीन घुस करके हमारे क्षेत्र में आपके पास आते निर्माण कर रहा है, ठीक है सर, अब नहीं जाइए, अभी कांग्रेस पर चर्चा हो रही है, आप इधर उधर भटक जाते हैं, हमेशा कांग्रेस को कब करती है, देश पे कब करेंगे, मीटिंग में भी भटक जाते हैं, देश पे कब करेंगे, देशवासियों पे कब करेंगे। मैं फौरन आपके पास आऊंगी, पर सलमान निजामी सर आपके साथ ही थे आज, देखिए हमारे पैनल में जितने भी लोग जुड़े, चाहे वो शहजाद हो, सलमान निजामी हो, रीता बहुगुणा जोशी हो, सब छोड़ छोड़ कर जा चुकी है अखिलेश जी आपको, फिर भी आप लोग इस तरह से अपनी बातों को कह रहे हो। सलमान निजामी एक बार आपके पास आते हुए, अभी जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया उम्मीद की जाए, कुछ ऐसे नाम जरूर सामने आ रहे हैं जो लग रहा है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आगे आ सकते हैं, क्या परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, बताइए। देखिए चित्रा जी, जो एक शायर राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू कहता था और दो साल में वो चेयरमैन माइनॉरिटी का बनता है और फिर उसको आप सांसद बनाते हैं, राज्यसभा भेजते हैं, इमरान प्रताप, क्या ऐसे पार्टी बनेगी, क्या ऐसे आप जो है देश को, देश की कांग्रेस को आप चलाएंगे? और आप मुझे बताइए अभी भी आप सुधरे नहीं, आप मैं इनके बयान सुन रहा था, अरे ये जो आजाद साहब हैं ये भाजपा के साथ मिले हैं, आप मुझे बताइए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनने की क्षमता भी रखिए, मैंने बीच में किसी के नहीं बोला, का बीच में क्या बोलेंगे आप तो आठ सालों में 2500 ज्यादा स्टेडियम हार गए, जिन लोगों ने इसी प्रक्रिया के तहत 42 सालों तक पदों को रखा, अरे कितने भी बोलिए आपको फिर भी राज्यसभा नहीं मिलेगी, जो बोल रहे हैं वो जनता देख रही है। सलमान निजामी जी इसी वजह से वो टारगेट पर हैं, जब गुलाम नबी आजाद साहब की टर्म खत्म हुई मैदान में, नहीं गुलाम नबी आजाद साहब की टर्म जब खत्म, चित्रा जी जब गुलाम नबी आजाद साहब की टर्म खत्म हुई थी, सुनिए मैंने मुझे बोलने दीजिए, एक बार उनकी बात हो जाए, जब गुलाम नबी आजाद साहब की जब टर्म खत्म हो गई तो आपने खुद सुना, आरजेडी समाजवादी पार्टी सब लोग कह रहे थे, सब पार्टियों के सांसद कह रहे थे आजाद साहब आपकी हमें जरूरत है पार्लियामेंट में, हम आपको राज्यसभा की सीट देंगे, ये क्या बोल रहे हैं, आजाद साहब को राज्यसभा की सीट चाहिए, कोई भी पार्टी दे सकती है उनको, उनका इतना कद है, लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, पंजाब में हार गए आप, क्या आपके जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज थे उनने इस्तीफा दिया? नहीं, उनको आपने राज्यसभा में भेजा, आपके स्टेट पे स्टेट हार रहे हैं, आप उनके उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा किया आपने स्टेट हार दी,
आपने बंगाल में, आप कह रहे हैं हम भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं, बंगाल में तो ममता बनर्जी के खिलाफ आपने इलेक्शन लड़ा जब चुनाव हो रहा था, आपने आरजेडी के खिलाफ बिहार में इलेक्शन लड़ा, आपने समाजवादी के खिलाफ उसी समय नेता थे ना, इलेक्शन लड़ा, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जिस पार्टी में आप शामिल हैं काम कर रहे हैं बुरा होने वाला है, भाजपा की बेटी में काम कर रहे हैं, जागो आप जम्मू कश्मीर में भी, इन्होंने इतनी देर से क्यों याद आती है आप लोगों को भी सलमान निजामी जी, जम्मू कश्मीर में आप लोगों को भी नहीं कहा जाएगा कि जब कांग्रेस पार्टी को आप लोगों की जरूरत है एक बुरे वक्त में, जब वो अपने स्थापना से लेकर आज तक सबसे बड़ा संघर्ष कर रही है, तो एक एक करके आप कहते थे मैं नए उद्धार पर घेरो, अब जब नेता सड़क पर उतर रहे हैं तो फिर आप लोग उनको छोड़कर कहीं और चले जा रहे हैं। अरे अरे लड़ाई कांग्रेस से बोल रही है आप लोग, विश्वास के लिए धरने देने से कुछ नहीं होगा, जमीन आपकी है ही नहीं, ग्राउंड में आपको फाइट करना पड़ेगा, आप चापलूसों को सांसद बना रहे हैं, चापलूसों को बड़े बड़े पदों पर उठा रहे हैं, जो ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं उनको आपको जो है मजबूत करने की जरूरत है। पंजाब में क्या किया आपने, यूपी में क्या किया आपने, ममता के खिल्लाफ लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी को उसका भी उदाहरण आप दे सकते हैं कि आज 65 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, शामिल है जिन्होंने पहले ही गुलाम नबी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। अजय आनंद जी सीधे आपके पास आते हैं, सिर्फ दो राज्यों में ही है कांग्रेस पार्टी, इनकी ताकत और उसका लोकसभा में भी क्या हाल है ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि वास्तव में अब जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, एक बहुत बड़ा चेंज क्या आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस के भीतर देखने को मिल सकता है, उम्मीद की जाए? देखिए चित्रा जी, राजनीति परसेप्शन होता है, अवधारणा। अभी हमारे दोनों भाजपा कांग्रेस के मित्र आपस में चुनाव के लिए लड़ रहे थे, तो ये लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस देश के जनमानस में अवधारणा बनी हुई है कि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, गांधी परिवार मतलब कांग्रेस, उसको अखिलेश जी कितना भी कह लेंगे वो जनता नहीं समझेगी। समस्या तब तक नहीं होती है जब तक आप चुनावी सक्सेस का मजा लेते हैं, जब चुनावी हार लगातार हार होने लगे, 59 चुनाव में से आप 40 चुनाव हार जाएं, तब आपकी कार्य क्षमता और कार्यशैली पे सवाल उठते हैं। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो आज की तारीख में कोई देश में हर आदमी मानेगा कि संगठन के हिसाब से ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक, अब उसको चाहे आप आरएसएस मॉनिटर्ड कहिए, चाहे आप जो कहिए, लेकिन एक वेल्ड ऑयल्ड मशीनरी हो गई है जो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। अध्यक्ष पद का अगर चुनाव नहीं होता है अकॉर्डिंग टू अखिलेश जी के हिसाब से, तो ठीक है, तो वहां सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाता है। आपके यहां तो अध्यक्ष पद की बात ही नहीं होती है, वो तो तय होता है कि परिवारी का रहेगा। ये परसेप्शन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता में, देश में परसेप्शन है, तो इसके लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। रही बात कांग्रेस संगठन का बदलाव कैसे हो, ये सही बात है कि पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी नए पत्ते आते हैं। कांग्रेस जितनी पुरानी देश की पार्टी है, गुलाम नबी जी जाएंगे वो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, और जम्मू कश्मीर से कोई नया नेता कांग्रेस ज्वाइन करेगा, तो ये सब भविष्य के आधार में छुपा हुआ है। और ये सच्चाई है कि ना कांग्रेस खत्म होने वाली है, इसे कमजोर जरूर हो गई है, अब मजबूत कैसे करें ये काम कांग्रेसियों को ही करना है। तो उसी के तहत अगर कोई नया अध्यक्ष बन के आता है, आप जैसे देखिए नेताओं की कमी नहीं है, एक से एक ऊर्जावान नेता है। अब शशि थरूर को वो इंटेलेक्चुअल कह रही थी, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल 3 बार चुनाव जीत जाता है लोकसभा में, 14 में भी 19 में भी, तो इंटेलेक्चुअल नहीं है, इसका मतलब कि जनता में पकड़ है। तो अपनी बेसिक नीतियों को कैसे ये पार्टी बदले, क्यों ये जनता से विमुख होते जा रही है, इस पे चिंतन करने की जरूरत है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई में तो आप बहुत पीछे चले गए। चिंतन कर लीजिए राज्यों दरदार जो क्यों जा रहा है, एक बचा हुआ छत्तीसगढ़, वो भी शायद चला जाए तो फिर बचेगा, राजस्थान भी है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक बचा है छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्यों नहीं खुद के वो भी चला ही जाएगा, वही कह रहा हूँ, झारखंड से लोग भाग गए रायपुर में। मैं आयुष आजादी आपके पास फौरन, और जो बातें उठाई गई है आपके खुद के नेताओं की ओर से, ये जो इलेक्टोरल आप लोगों के वहां, उसका आखिरी चुनाव कब हुआ था, इलेक्टोरल रोल का जो वोट देंगे जो डेलीगेट्स हैं? पहला आपसे निवेदन है, जैसे दूसरों के बीच में आप खामोशी से सुनती हैं, हमें जितना देर देंगे उतने देर बीच में मत बोलिएगा। मैं निजामी से शुरू करता हूं, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लीडर रहे हैं, वो बोलें, वो बोल करके अपनी इमेज गंवा रहे हैं। मैं नहीं गिनाना शुरू करूंगा कि यूपी में भी वो प्रभारी थे, हरियाणा में भी, क्या क्या हुआ, वो गए वो जाने, और जो बोल रहे हैं उसका अच्छा बुरा वो गुलाम नबी साहब जाने, जो जा रहा है वो जाने, जनता जनता तो बोल ही चुके हैं, गुलाम नहीं नहीं वो जाने, वो बड़े नेता को बोल ही चुके हैं, तो अब क्या बोलेंगे आप? इस उम्र में, इस उम्र में छोड़, मैंने कहा था बीच में ना बोलिएगा, आपको आपको रोका ही नहीं जाता, कांग्रेस पार्टी पर अगर डिबेट है तो कांग्रेस के बड़े नेता स्टूडियो में हैं, उनसे सवाल ही पूछा जाएगा? सुन लीजिए, कांग्रेस की आवाज जरा से देर बाद सुनाई देती है तो आपको बर्दाश्त ही नहीं होता,
तुरंत आप डिस्टर्ब करने लगे। सबसे ज्यादा आप बोले कहा बोल रहे हैं हमको, बोले। ये मत किया करिए, बोलिए बात आने दीजिए। बहस का मतलब ये होता है कि लोग अपने अपनी बात रखें शालीनता से। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी इतने दिनों तक रूल की 14 तक, 70 वर्षों बाद बीजेपी आई है और यो चिंता करें कि अब इसके बाद कितने 100 साल लगेंगे दोबारा आने में, क्योंकि कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा बिंदु नहीं है, ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिस पे बीजेपी वोट मांग सके कि मैंने इस देश में आपको ये अचीव करके दिया है। एक चीन के साथ, इकोनॉमी के साथ, रोजी रोजगार के साथ, डॉलर के साथ, रुपए। हम कहते हैं मोदी जी के जो भाषण हुआ करते थे हम ये कर देंगे, जो उन्होंने 2022 में करने की कसमें खाई थी 3 से 4 साल में, वही अब चला दीजिए, 10 कसमें हैं उनकी, क्या पूरी हुई? सबको पक्का मकान होगा, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, उसमें एलईडी लाइट होगी, उसमें शौचालय होगा, और हम 15 अगस्त 2022 को बुलेट ट्रेन में बैठ करके जाएंगे, किसानों की 2022 में दोगुनी होगी। उसके बावजूद यूपी उत्तराखंड में क्या आपका हाल कर दिया वहां की जनता ने, बताने की जरूरत है क्या? चुनाव जीत जाना, आपके पास चुनाव जीत और मुझे मैं तो बस आपसे ये अखिलेश जी सवाल पूछते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता आते हैं, थोड़े दिन में कहीं और चले जाते हैं, आप तो नहीं जा रहे कहीं? आप अपना बताइए, क्योंकि ये चैनल इसी तरह बदनाम होता जा रहा है, कई लोग छोड़ छाड़ रहे हैं। आप तो नहीं छोड़ के जा रही हैं, सवाल पूछ लो आपसे, सवाल पूछ लो आपसे, तो आपको एकदम मतलब इतना तीखा लग जाता है ना अखिलेश, बहुत तीखा लग जाता है। अरे सलमान निजामी बैठे हुए हैं, गुलाम नबी आजाद साहब बैठे हुए, रीता बोगड़ा जोशी पूछ लिया इस वजह से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। शहजाद जी वो कह रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे तमाम दूसरे मुद्दे भी गिना रहे हैं, इन सारे मुद्दों के रहते हुए चुनाव जीत जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जनता हमेशा मुहर लगा रही है आप लोगों पर। मुद्दे देखिए, अखिलेश जी एक बड़े नेता है उत्तर प्रदेश में, इन्होंने सारे ये मुद्दे वही गिनवाते थे हर रैली में जाकर, तो 7% से 2% वोट पे आ गए। पार्टी शौचालय में अब ये शौचालय खोजने जा रहे, तो खोजते रहिए, कोई समस्या नहीं है। परंतु मूल सवाल क्या है, आज केवल चुनाव का मामला नहीं है, मामला ये है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र मुक्त, जवाबदेही मुक्त, सहिष्णुता मुक्त, नेतृत्व नीति मुक्त और सारी चीजों से मुक्त हो चुकी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, सवाल जो गुलाम नबी आजाद ने उठाया वो अकेले नहीं, 400 नेता जिन्होंने छोड़े वही सवाल उठा रहे हैं कि परिवार को पार्टी के ऊपर मत रखिए, कि जवाबदेही होनी चाहिए। जो व्यक्ति 39 में से 39 चुनाव हराता है उसको नहीं, कोई टैलेंटेड व्यक्ति को होना चाहिए, चमचों की नहीं मेरिट की सुनी जानी चाहिए। ये मुद्दों के खिलाफ इतनी असहिष्णुता है। दादी माँ का इमरजेंसी वाला डीएनए, आपने भी सवाल पूछ लिया तो डांट दिया आपको। गुलाम नबी जी को कल तक जम्मू कश्मीर का कैंपेन चीफ बना रहे थे, आज वो गद्दार हो गए पार्टी के। किसी को जनरल सेक्रेटरी बना रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया, बातें रखी तो उनको गद्दार बोल दिया। अरे इतने बड़े गद्दार थे, बीजेपी के एजेंट थे, तो भाई पार्टी में रखा क्यों था? और दूसरी आखिरी बात, बीजेपी तो यही चाहती थी ना कि कांग्रेस का ये हाल हो जाए। देखिए ऐसा है, सुनिए ना, आप लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत कहते ही थे। महात्मा गांधी के इस सुंदर स्वप्न को राहुल गांधी शिद्दत से पूरा कर रहे हैं, जहां वो जाते हैं वहां पर जीरो करके आते हैं। तो महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर कम से कम इस मामले में, और किसी मामले में नहीं, राहुल गांधी चल रहे हैं कि कांग्रेस नामक दुमकान को बंद कराना है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सबको ही गद्दार कहना है, सभी गद्दार हो गए, तो भाई साहब कांग्रेस पार्टी में तो राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा चुनाव हारा है, तो सबसे बड़ा बीजेपी का। देखिए मैं सीरियस बात कर रहा हूं, अरे भाई राहुल गांधी के बारे में सीरियस बात हो सकती है? राहुल गांधी को सीरियसली लिया जा सकता है? आप बेटा बचाओ छोड़ो, पार्टी बचाओ पे ध्यान दो। देखिए मेरा एक अखिलेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, भारत जोड़ो बाद में करना, पहले परिवार छोड़ो करो, परिवार छोड़ो भारत फिर जोड़ो, ऐसा हो गया क्या? प्रियंका वाड्रा कहां से चुन के आई? आप सुनिए, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा कहां से चुन के आई? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। मैंने आपको सुना, बताइए बताइए, मैंने नोट किया है, नोट किया, आपने 3 बार हूं बोला था 2.5 मिनट के इनके तकरीर में, कुछ नहीं पूछा, मेरे लिए भी चुप रहिएगा। देखिए ये आजीवन विक्टिम ही रहेंगे क्या? आजीवन विक्टिम होकर स्वप्न ये कसम खा कर रखी है क्या? देखिए जिसे अपनी कुछ उपलब्धि होगी तो वो अपनी बात करेगा, जिसके पास अपना कुछ है ही नहीं है बताने को, जिस व्यक्ति की कोई विश्वसनीयता नहीं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हम लोग को बुरा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री कोई गांधी के बारे में बोल रहे हैं? मैंने बीच में नहीं बोला गांधी के अलावा, बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। ये आपका फोबिया है और जारी रहना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को राहुल गांधी से डरना भी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो एक विश्वसनीय व्यक्ति है, वो स्टेट्समैन वाला व्यक्ति है, वो विजनरी व्यक्ति है, वो विजन वाला व्यक्ति, वो टेलीविजन वाला नहीं है। हाँ ये डरना भी चाहिए, और डर बता रहा आपको, क्योंकि जो जीव
किसी से डरता है, उसे पता होता है कि वो खतरा किससे है। के मिशन सुन लीजिए, वही 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 सुन लीजिए ना, अरे सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो पार्टी के सुन लो सुन लो मोदी युग की शुरुआत हुई आप लोग का क्या हाल हो गया अखिलेश जी, सवाल पूछ लो फिर आप लगेंगे एंकर पर हमला करने के लिए। 2018 के बाद एक सेकंड सर, आप पीछे बोला नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, डिबेट है ना, डिबेट का मतलब क्या होता है, स्पीच देने के लिए थोड़ी ना बुलाए यहाँ पर किसी, हम अपनी बात करने के स्पीच है, नहीं नहीं हम अपनी बात रखते हैं, स्पीच क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप इतना भड़क क्यों जाते हैं अखिलेश जी, आप एकदम भड़क जाते हैं, बिल्कुल भड़क नहीं रहे हैं हम, अचानक से आप भड़क जाते हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, क्या आपको लग रहा है कि गांधी परिवार के तरफ भी कोई अध्यक्ष होगा, जल्दी से बताइए क्लोजिंग कमेंट होगा। अरे उस गांधी परिवार में प्रधानमंत्री छोड़ा है जिसके लिए कसमें खाते थे मोदी जी, मेरे पिता तुल्य, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य, जब तक आपको प्रधानमंत्री न बना लूं कहां है आजादी आदरणीय अडवाणी जी, उस प्रधानमंत्री पद को सोनिया जी ने, उस प्रधानमंत्री पद को सोनिया जी ने त्यागा है। हाँ। और तीन बार उनके प्रचार से, उनकी मेहनत से कांग्रेस ने सत्ता बनाई है और गैर नेहरू परिवार का पीएम बना है, उससे बड़ा पद इस देश में राजनीति करने वाले के लिए कोई नहीं है। सबकी ख्वाहिश होती है हाँ। कि वो प्रधानमंत्री पद, लेकिन उस पद को उन्होंने त्यागा है और अध्यक्ष पद का भी चुनाव वो बोल कर गई है, मेरे पार्टी जो छोड़ गई पार्टी कल ये जब छोड़ेंगे बीजेपी तो ये क्या बीजेपी की तारीफ करेंगे? अच्छा, ये अभी बीजेपी में गए तो जब ये बीजेपी में गए तो हमको कोस रहे हैं, जब ये बीजेपी छोड़ के किसी और में जाएंगे तो क्या ये बीजेपी की तारीफ करेंगे? ये फिर सब यही बताएंगे, इसी तरह लाके बताएंगे कि बीजेपी में ये कमी थी, उसमें ये कमी थी, मोदी जी में ये कमी थी, नड्डा जी में ये कमी थी, फिर देखिएगा किस तरह से ये मोदी जी नड्डा जी की कमियां बताएंगे। ये तो इसको वही बता रहा ना कि जब जिस दल को कोई छोड़ के चला गया तो उसके कसीदे नहीं पड़े जैसे ये, और उसको दूनी मेहनत करनी पड़ती है, भगदड़ मची हुई है, छोड़कर तो नहीं जा रहा, भगदड़ मची हुई है, देखिए एक के बाद एक ऐसे नेता, इतने ज्यादा नेता आप करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, ऐसे नेताओं की एक के बाद एक धड़ाधड़, जो छोड़ जाते हैं उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जिस दल में जाते हैं वो उनको दिखाना होता है कि देखिए हम जहाँ से आए हैं वहाँ से जीतेगा या फिर परिवार। ठीक है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चित्रा जी देखिए, स्पेसिफिक सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि सीताराम केसरी एक पिछड़े वर्ग से आए हुए व्यक्ति की धोती फाड़कर जब परिवारवादियों ने सोनिया गांधी को आसीन पर बिठाया, अरे आप बीच में कौन बोल रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सीताराम केसरी का किताब में लिखा है, जब पढ़ लिया मेरे 24 करोड़ की किताब में लिखा है। चित्रा जी ऐसे अगर डिबेट होगी तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ना कि सीताराम केसरी को हटाया और जब सोनिया गांधी बनी तो कौन सा चुनाव हुआ? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, प्रियंका वाड्रा कौन सा चुनाव लड़के जनरल सेक्रेटरी बनी है, और जब वो सारे स्टेट्स हारने के बाद प्रियंका वाड्रा ने 7% से 2% वोट शेयर किया, प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे हो गए, उसका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परफॉर्मेंस ने। आज दंगल का हमारा सवाल था, क्या राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के नेता अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे? आपके जो जवाब मिले हैं 11% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि बड़ी आबादी 89% लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लेकिन अगर चुनाव होगा तो 22 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी में ऐसा मौका आया है जब चुनाव के जरिए कोई अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन क्या गांधी परिवार से इतर कोई चेहरा जीत पाएगा, ये सवाल अपने आप में कायम है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।